नमस्कार, मेरा नाम है साजेब और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट। और अब देखिए कि यहाँ पर चाचा शिवपाल ने एक बड़ा पद बड़ा औहदा संभालते हुए यहाँ पर नजर आ सकते हैं नए साल में। चाचा शिवपाल बड़ा फैसला भाजपा के लिए लेते हुए नजर आ सकते हैं। जी हाँ, क्यों बताते हैं आपको। देखिए, उत्तर प्रदेश में मैनपुरी लोकसभा के उपचुनाव से पहले यहाँ पर चाचा शिवपाल को लेकर के जो बातें सामने आ रही थी, जिस तरीके से चाचा शिवपाल पर यहाँ पर भाजपा लगातार हमलावर होते हुए नजर आ रही थी, उसको लेकर के अब चाचा शिवपाल ने रौद्र रूप इख्तियार कर लिया है। बता दे के नए साल में अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल की पावर तो बढ़ा ही दी है और चाचा शिवपाल को एक बड़ा पद देने की बात भी यहां पर करते हुए नजर आ सकते हैं। जी हां, देखिए चाचा शिवपाल ने यहां पर जो है सत्याग्रह आंदोलन का बीजेपी के सामने जो है ऐलान कर दिया है। वो भाजपा के खिलाफ अब मुखरता से आवाज उठाते हुए नजर आ सकते हैं, तो भाजपा वालों की खैर नहीं, ऐसी चेतावनी चाचा ने दे दिया। चाचा ने क्या कहा है वो आप पहले देखिए। हमारी भी सरकार रही 4 बार इस प्रदेश में, हमारी भी सरकार रही, कभी भी विपक्ष पर हमला नहीं हुआ है, सम्मान हुआ है, उनकी बात सुनी गई है। ये पहली सरकार है विपक्ष की कोई बात सुनती नहीं है, केवल उत्पीड़न, झूठे मुकदमे लिखा लिखा कर जनप्रतिनिधियों को परेशान करना, जेल में डालना। तो इस सरकार और ये सरकार सबसे भ्रष्टम सरकार है, समय पूरा प्रदेश अधिकारियों पर छोड़ दिया है। अब हम लोग देखे समाजवादी पार्टी के लोग सब लोग मिल करके अब संघर्ष सड़कों पर होगा। और केवल इस सरकार को सबसे पहले तो जो चुनाव अभी स्थानीय निकाय के चुनाव में जो आरक्षण ख़त्म किया जा रहा है, तो देखिए आरक्षण को बचाना है तो ये संघर्ष अब छेड़ेंगे। और आरक्षण को बचाना है और भ्रष्टाचार तो सुना आपने कि चाचा ने किस तरीके से भाजपा को चेताया है। और ये भाजपा के लिए 2024 की चेतावनी है, क्योंकि 2024 में भारत की राजनीति की दिशा तय करता है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में जो भी बयान यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं, जो भी नेता बयानबाजी नजर करते हुए नजर आ रहे हैं, उसमें से सबसे मुख्य रूप में अभी चाचा शिवपाल की भूमिका नजर आ रही है, भतीजे अखिलेश की भूमिका नजर आ रही है। और ये दोनों मिलकर के जो है एक बड़ा नुकसान भाजपा को 2024 में पहुंचा सकते हैं। बहरहाल आज की इस रिपोर्ट में इतना ही, तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहे नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल।